नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सैनिक सम्मेलन आयोजित कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन सिरसा में हुआ। भूतपूर्व सैनिकों की स्वयंसेवी टीमों का किया गया गठन। गांव व खंड स्तर पर टीमों का किया गया था गठन। समस्याओं का घर घर जाकर के समाधान करवाने में टीम करेगी सहायता। सैनिकों एवं अर्ध सैनिकों के कल्याण विभाग व पूर्व सैनिकों के बीच की कड़ी का काम करेगी यह टीम। कल्याण अधिकारी पूर्व कर्नल राजपाल सिंह अहलूवालिया ने दी जानकारी। फतेहाबाद व सिरसा जिले में स्वयंसेवी पूर्व सैनिकों की टीम का हो चुका है गठन। पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं की समस्याओं का किया जा रहा है निवारण। आप देख रहे हैं सिरसा पलपल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आज सिरसा के पंचायत भवन में खंड स्तरीय सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में खंड सिरसा के पूर्व सैनिकों व उनकी वीरांगनाओं की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और उनकी समस्याओं का निवारण किया गया। सम्मेलन में गांव व खंड स्तर पर स्वयंसेवी भूतपूर्व सैनिकों की टीमों का भी चयन किया गया। टीम में शामिल वॉलेंटियर्स गांव व खंड स्तर पर पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं के बीच में तालमेल रखेंगे। उनकी समस्याओं का घर घर जाकर समाधान करवाने में सहायता करेंगे। वहीं सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के कल्याण अधिकारी पूर्व कर्नल राजपाल सिंह अहलूवालिया ने बताया कि सभी पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को या उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है और उनकी समस्याओं का निवारण किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक भी किया गया है। उन्होंने बताया कि इच्छुक स्वयंसेवी भूतपूर्व सैनिकों का गाँव व खंड स्तर पर चयन किया गया है और वे सेवानिवृत्त होने के बाद में स्वैच्छिक सैनिक एवं खंड सिरसा में पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं के बीच में तालमेल रखेंगे और उनकी समस्याओं का घर घर जाकर के समाधान करवाने में सहायता करेंगे। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद व सिरसा जिला में इस तरह की स्वयंसेवी एवं भूतपूर्व सैनिकों की गांव व खंड स्तर पर जिस भी तरह की समस्याएं पेंशन रिलेटेड वेलफेयर स्कीम उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। और जो सबसे हम महत्वपूर्ण चीज आज करने वाले हैं वो हमने एक डीसी साहब के अप्रूवल से एक वॉलंटियर ईएसएम वेलफेयर सर्विस शुरू करी है, मतलब स्वयं सेवा ईएसएम कल्याण सेवा, जिसमें हमारी ईएसएम स्वयं एक दूसरे की मदद करेंगे कल्याण सेवा के लिए। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जैसे अपना ये सिरसा ब्लॉक है, इसमें अगर 40 गांव हैं तो हर गांव से हम एक ईएसएम वॉलंटियर ले रहे हैं जो कि अपने गांव के हर ईएसएम के बारे की जानकारी रखेगा, कितने ईएसएम हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं। और जैसे अपना पंचायत सिस्टम है उसी सिस्टम पर हमने फिर सर्कल वॉलंटियर लिया है, जैसे कि ग्राम सचिव होता है जो कि उन 4-5 गाँव के जितने भी ईएसएम हैं उनके बारे में जानकारी रखेगा। और फिर 5-6 सर्कल्स को मिलाकर के हमने एक ब्लॉक वॉलंटियर लिया है जो कि ब्लॉक वॉलंटियर इनकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके अब इस प्रकार की जो भी समस्याएं इनकी ब्लॉक लेवल पे हल की जाएंगी। मेरे पास क्योंकि बड़े लिमिटेड स्टाफ पोस्टेड है तो मेरा जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजर है वो आए हफ्ता वहाँ पर जाएगा, उनके प्रॉब्लम को हल करेगा और महीने में एक बार मैं भी जाऊँगा टर्न बाई टर्न, एक महीने इस ब्लॉक में गए, एक अगली बार दूसरे में। तो इस प्रकार करके हमारी कोशिश होगी जो हमारे बुजुर्ग ईएसएम्स हैं या माताएं हैं उनकी घर बैठे ही उनको हर तरह की ये हमने जो सिस्टम दो डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। एक तो मेरे पास मैं मेरी जो अपॉइंटमेंट है एज ए वेलफेयर ऑफिसर, एक तो है डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, एक है एडिशनल चार्ज सिरसा। तो हम ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि हम फतेहाबाद ब्लॉक में सबकी 6 के 6, 7 के 7 ब्लॉक में मीटिंग करके अपनी वॉलंटियर ईएसएम सर्विस सेवा के लिए टीम तैयार कर चुके हैं और यहाँ पे 6 ब्लॉक में कर चुके हैं सिरसा के अंदर। आज ये आखिरी ब्लॉक के साथ ब्लॉक है जब हमारी हर तरह से ये स्वयं सेवा वाली ईएसएम की वॉलंटियर टीम तैयार हो जाएगी। मेरी इच्छा है कि ये हो, मैंने इसको इस इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी राज्य सैनिक बोर्ड को इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब वो हमारे हायर अप पे डिपेंड करता है और यहाँ के ये कितनी सक्सेसफुल होती है तो उसके हिसाब से हायर अथॉरिटीज पे डिसाइड करेंगी और उस पर फैसला लेंगी। पर मेरी इच्छा है ये जरूर हो क्योंकि इसमें हम हर गांव में पहुँच, जैसे सिरसा इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 344 गाँव हैं तो दूर दूर तक लोग रहते हैं,
तो वहाँ तक हमारा पहुँचना इतने थोड़े स्टाफ के साथ जो हमें मिला हुआ है बड़ा मुश्किल है, जब तक हम खुद अपनी सेवा नहीं करेंगे।